ये देखे, ये यही सब ढूंढता रहता है और इसको चप्पल मिल गया, वो भी लेडीज चप्पल तुम्हारे। हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों, अभी हम अपने घर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे आए हुए हैं जहाँ पे हमारा खेत है। सो काफ़ी सारी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा खेत 5 किलोमीटर की दूरी पे है जो कि इनामपुर में पड़ता है। और फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी खेत में। आइए आज की इस वीडियो में हम आप लोग को दिखाते हैं कि जो हमने अरहर की फसल बोई हुई है, जो हमने गेहूं की फसल बोई हुई है, वो कितना अब तक तैयार हुआ है और आज का फसल कैसा है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और साथ में बताएंगे भी। और साथ में देखिए, हमारे साथ राजन भी आया हुआ है। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक ही बात बोलना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक करें। लाइक के साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि नई नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे। सो दोस्तों, अभी हो रहे हैं 4:35 और काफ़ी ज़्यादा धूप है क्योंकि गर्मियों का टाइम आ चुका है और धूप इतना ज़्यादा हो रहा है कि टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो चलिए आपको हम बैक कैमरे से अपने खेतों का नज़ारा दिखाते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपको एक छोटी सी मड़ई दिख रही है, इसके अंदर इंजन है, इससे हम लोग अपनी खेत की सिंचाई करते हैं। और जस्ट बगल में देखिए, हम लोगों ने यहाँ से लेकर टोटल वहाँ तक यानी कि 3 बिस्से में हमने अरहर की फसल बोई हुई थी। आपको दिखाते हैं कि हमारी अरहर की फसल हुई कैसी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी अरहर जो कि जितने यहाँ पे सांड थे, भैंस थे, गाय थे, जितनी सारी पशुएं यहाँ पे छुटी हुई थी, सब लोगों ने भरपूर आनंद लिया हमारे इस अरहर की फसल का। और अभी देखिए कैसे वीरान सा लग रहा है हमारा अरहर। कहीं कहीं पे कुछ पेड़े आपको दिखाई दे रही होंगी अरहर की, बाकी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लकड़ियाँ मिल रही हमें अरहर की। तो इस तरीके से है हमारा अरहर का फसल जो कि इस बार बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। पशुओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस वक्त हमारी अरहर की फसल और कितने इसमें घास है। और चलिए आपको हम अपने गेहूं की फसल दिखाते हैं जो कि देखिए, ये हमारी गेहूं की फसल है। यहाँ से लेके टोटल वहाँ तक हमारा गेहूं का फसल है जो कि अभी देखिए, गेहूं का फसल लमसम 1 हफ्ते बाद ये काटने लायक हो जाएगा। इतना हमारा कम से कम ये जो गेहूं की फसल आप लोग देख रहे हैं, ये टोटल मिला के कुल 15 बिस्से में बोया हुआ है। तो अभी पूरी तरीके से ये गेहूं की फसल तैयार नहीं हुई है। जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर इसकी कटाई स्टार्ट होगी, उस टाइम भी मैं आप लोग को एक वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा। और अभी देखिए, हमारा सिंचाई करने का ये साधन है जिसको हम अपनी गांव की भाषा में बराहा बोलते हैं। और अभी हाल फिलहाल किसी ने सिंचाई कर रखी है तो हमारी खेतों में भी पानी गए हुए हैं। और इधर देखिए, बीच बीच में ये सरसों की कटाई हुई है, इस खेत से कटाई हुई है जो कि हमारे बड़े पापा का ये खेत है, उनकी खेत से सरसों काट काट के अभी देखिए यहाँ पे बीच में रखा गया है, बराहा के बीच में, और यहाँ से लेके वहाँ तक रखा गया। कम से कम 1, 2, 3, 4 गट्ठर बनाए गए हैं। और चलिए और आगे तक आपको हम अपनी गेहूँ की फसल को दिखाते हैं जो कि विलेज लाइफ में दोस्तों आप लोग को गांव का ही टूर मिलेगा। देखिए तो ये हमारी फसल है, तो हम आपको अभी अपना फसल दिखा रहे हैं। और अभी देखिए, राजन को एक चप्पल मिल गया, चप्पल दिखाना। तो ये देखिए, ये यही सब ढूंढता रहता है और इसको चप्पल मिल गया, वो भी लेडीज चप्पल, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। और देख पा रहे होंगे आप लोग हमारी गेहूं की फसल जो कि इस प्रकार से है। हाँ। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारी गेहूँ की फसल है। जब ये कटने लगेगा उस टाइम आपको और एक वीडियो देखने को मिलेगा। और अभी देखिए गेहूं हमारा कितना तैयार हुआ है, राजन अपने हाथों पे दिखा रहा है आप लोग को। तो कुछ इस तरीके से हमारा गेहूं तैयार हुआ है, दिखाना जरा वो वाला भी बाल। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, कुछ इस प्रकार से हमारा गेहूं तैयार हुआ है और गेहूं भी काफ़ी कुछ खास नहीं पड़ा हुआ है हमारा, काफ़ी सूखे सूखे बीज हैं इसके। तो जैसा है आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, कमेंट में बताइएगा कि हमारी फसल कैसी है। बाकी आप लोग के यहाँ कैसी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।
दोस्तों खेत में बहुत ही ज़्यादा धूप था, और अभी देखिए ये हमारे जस्ट खेत के बगल में ही एक छोटा सा स्कूल है। मुझे स्कूल का नाम नहीं पता, शायद आप लोग को पता हो तो कमेंट में बताइएगा। कब्रिस्तान के जस्ट बगल में ही ये स्कूल है। तो अभी देखिए हम स्कूल के बगल में आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा छांव है, तो वहाँ काफ़ी खेत में काफ़ी ज़्यादा धूप थी जिससे फेस पे पड़ रहे थे। तो अभी छांव में आ चुके हैं और हमने आप लोग को अपने खेत का टूर कराया है, जो कि अभी गेहूँ की फसल तैयार होने की कगार पे है। और अभी जस्ट दोस्तों लमसम एक हफ्ते या 10 दिन से पहले ही ये गेहूँ की कटाई स्टार्ट हो जाएगी, तो उस समय एक और वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। और दोस्तों आज हम आप लोग को आए थे कुछ खास बात बताने के लिए, खास चीज़ आप लोग को दिखाने के लिए, बट वो हो नहीं पाया। किसी और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे, और इसलिए हमने सोचा कि आए हैं तो अपने खेत का ही टूर करा दें आप लोग को। बाकी आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फटाफट लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और लाइक शेयर के साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे।